है जीप कंपस में, तो आज हम जीप कंपस का रिव्यू करने हैं। जीप कंपस को लॉन्च हो तो टाइम हो गया ऑलरेडी और काफी सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बट मैंने सुना है कि इस कार की स्पेशलिटी इसकी ड्राइविंग है। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने कार के फीचर देखे, कार की प्रैक्टिकलिटी देखी, कार का प्राइस देखा, तो मुझे रियलाइज हो गया कि जितनी ये महंगी है इसकी ड्राइविंग ही बहुत अच्छी होगी, इसलिए महंगी होगी। इसका फॉर्म फैक्टर डस्टर लेवल का है, डस्टर है टेरानो लेवल का, और वो गाड़ियाँ 12 से 14 लाख के बीच की हैं, और ये गाड़ी 18, 20, 21 इतने लेवल की बढ़ रही है। इसके अंदर 5 मॉडल्स हैं, एक बेस है, एक फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, बट ये मिडिल मॉडल है। मिडिल में भी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं, जो इसके ऊपर वाले उनमें 4x4 ऐड हो जाता है या एक ऑप्शन पैक ऐड हो जाता है, बट जो बेसिक फीचर्स हैं जो ये कंपनी ऑफर कर रही है इस कार के साथ, वो इस मॉडल में सारे हैं। आपको टच स्क्रीन मिलेगी जिसमें सारी चीज़ें चलती हैं, ऑटो एसी है, ऑक्स है, यूएसबी है, पावर विंडोज़ हैं, स्टेयरिंग पर कंट्रोल्स हैं, बट फिर भी मेरे को जितनी महंगी ये कार है बहुत कुछ देखते हैं, मेरे को इसमें फीचर्स की बहुत कमी लगी। मतलब इस लेवल की कार में 18-19 लाख की गाड़ी में बहुत कुछ होता है यार। मतलब इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, इसमें सनरूफ नहीं है, सनरूफ मैंने सुना वो डाल रहे हैं, तो काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें मेरे को ये चीज़ें मिसिंग लगी कि ये एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर उन्होंने रखी है तो ये चीज़ें उनको डालनी चाहिए थी। बट सबसे बड़ी खासियत कार की जिसके कारण ये प्राइस मांग रहे हैं, दैट इज़ इट्स इंजन एंड इट्स पावर। ड्राइव अभी हम करके देखें तो पता चलेगा कि ड्राइव करने में कितनी अच्छी है। इसका 2000cc का इंजन है और 173 bhp पावर है, एंड 173 bhp इज अ लॉट ऑफ पावर। 173 bhp में आपको मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू उन लेवल की गाड़ियाँ आ जाती हैं सारी, कि जो 170, 180, 190 bhp की पावर देते हैं। 320d हो गई या ऑडी का A4 इंजन हो गया, A3 और CLA क्लास की भी 140-140 bhp है, और इस सेगमेंट में XUV है उसकी 140 bhp है। इनोवा क्रिस्टा का जो टॉप मॉडल है, अब जो नई वाली इनोवा है उसके अंदर जो बड़ा वाला इंजन है या जो फॉर्चुनर का इंजन है, उसकी पावर 177 bhp है, जो इस लेवल में आती है। मतलब 177 bhp इज अ लॉट ऑफ पावर, अ लॉट ऑफ पावर। और अगर गाड़ी बनी अच्छी है, चेसी अच्छी है, बिल्ड अच्छी है, ड्राइविंग अच्छी है, स्टेयरिंग अच्छा है, सस्पेंशन अच्छी है, और विद दैट पावर इट कैन बी अ रॉक स्टार, वही हम चला के देखेंगे। और अगर अपनी ड्राइविंग पे बहुत ज़्यादा ही सरपास करती है तो डेफिनेटली इट इज़ वैल्यू फॉर मनी, कि जितने के पैसे मांग रहे हैं, और ड्राइविंग एंथुसियास्ट खुश होंगे। अब अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो प्लास्टिक क्वालिटी इज़ गुड, अच्छा लग रहा है, बट मिक्स है भी है थोड़ा सा। जैसे लेदर इज़ वेरी गुड, सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, रूमीनेस बहुत है, फील इसकी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। अब ज़्यादा रेज नहीं फील कर रहे ग्राउंड से, बट कॉम्पैक्ट फीलिंग है। मतलब कि SUV जितनी बाहर से लग रही है बड़ी बड़ी, आप उतने ऊपर नहीं बैठे हो, आप बैठे थोड़ा नीचे ही हो, तो आपको अंदर बैठ के नहीं लगता कि आप बहुत ऊपर हो या ऊंचे वाली फील आ रही है जैसे XUV में आती है या इनोवा में आती है, वैसा कुछ नहीं है। अब हम लॉन्जिट्यूड ऑप्शनल में है, इनकी गाड़ी के हर मॉडल के साथ एक ऑप्शन पैक मिल रहा है। तो ऑप्शन पैक में क्या क्या मैं बताता हूँ आपको, पहले तो पुश स्टार्ट है। ऑप्शन पैक में क्या है, टच स्क्रीन सबसे बड़ी वाली है। पूरी जीप की रेंज में 3 तरह के इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एक सबसे बेसिक है वो भी टच स्क्रीन है, बट वो काफ़ी छोटी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद एक नॉर्मल टच स्क्रीन है विच इज 5-inch टच स्क्रीन, उसके अंदर सारे फीचर्स चलते हैं, बट एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले नहीं है इसमें, एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले भी है, और इसका साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ये ऑप्शन पैक का पार्ट है। ऑप्शन पैक का सेकंड पार्ट है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और रूफ रेल ऐड हो रही है छत के ऊपर। और इसके अलावा जो मेन चीज़ें, मतलब इन्होंने हर एक चीज़ ड्राइविंग के लिए रखी हुई है। अब ये कॉस्टली क्यों है इतनी ज़्यादा, इसके अंदर ABS, EBD पता नहीं कितने तरह के हैं, ब्रेक फोर्स असिस्ट अलग है, एक हिल होल्ड असिस्ट है, एक हिल डिसेंट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल सब में स्टैंडर्ड है, स्टेबिलिटी कंट्रोल सब में स्टैंडर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वही हो गया, पार्किंग उसके अलावा इसकी पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है, यू डोंट हैव दैट थिंग, भले मेरे को ज़्यादा पसंद है वो, बट इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक आती है। इंजन इज क्वाइट रिस्पॉन्सिव, अभी से ही पता चल गया, बिकॉज जिस तरह से गाड़ी जान लेती है या लाइवलीनेस फील करती है, उसी से आइडिया लग जाता है कि इंजन में कितनी पावर और कितना रेडी है रिस्पॉन्स करने के लिए। सबसे पहले तो यार कंपस के लेवल की गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, इनोवा और XUV500 और टाटा हिग्जा, वो तीनों प्रैक्टिकलिटी पर ज़्यादा बैठ करती हैं और ये ड्राइविंग पर ज़्यादा बैठ कर रही है। लेट अस सी क्या चीज़ है। अभी मैं धीरे ड्राइव कर रहा हूँ, अभी मेरे को सारे हॉर्सेस नहीं फील हो रहे, इट इज़ गोइंग स्मूथ। मतलब शहर में भी अगर आपको चलाना है बहुत आराम से, बहुत अच्छी ड्राइविंग भी चला सकते हो, बहुत कम रेस देने की जरूरत पड़ रही है मेरे को, और गाड़ी रेड़ रही है बस आराम से, बस थोड़ा क्लच छोड़ा, थोड़ी सी रेस दी, नहीं भी दी क्लच छोड़ने पर वैसे डीजल इंजन बहुत ईजिली पिकअप ले। कॉम्पैक्ट SUVs की सबसे अच्छी बात क्या है, बींग द ओनर ऑफ इको स्पोर्ट एंड माई फ्रेंड मेकिंग दिस वीडियो, उसके बाद भी इको स्पोर्ट है और मेरे कहने पर ली थी, हम दोनों के पास सेम मॉडल एंड वी आर बोथ इको स्पोर्ट फैंस। कॉम्पैक्ट SUVs की सबसे खास बात ये होती है यार कि जो बड़ी SUVs होती है उनको ड्राइविंग में इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चरिंग और बिल्कुल अलग तरीके से होती है। तो नॉर्मली क्या कि अगर आप चाहते हो कि आप ग्राउंड से ऊपर बैठे हो और आपकी थोड़ी टॉर हो या व्हाटएवर यू हैव दैट बिग, अगर आपको बड़ी प्रेजेंस चाहिए हो तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन ड्राइव क्वालिटी, क्योंकि कार उतनी कॉम्पैक्ट नहीं रहती। बट जो कॉम्पैक्ट SUVs हैं दे गिव यू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ एन SUV एंड द ड्राइविंग डायनामिक्स ऑफ ए कार,
मैं थोड़ा यूज्ड टू हो रहा हूँ कार के साथ बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम ड्राइविंग दिस कार. नाउ ऑन द हाईवे वी विल सी क्या पिकअप है, क्या इंजन रिस्पॉन्स है. द एक्सेलरेशन इज क्वाइट लीनियर, क्वाइट लीनियर. कोई आपको पागलों वाली एक्सेलरेशन नहीं लग रही. इट इज़ वेरी स्मूथ, बहुत अच्छे से पिकअप ले रही है. आई एम ऑन 100 ऑलरेडी. इट इज़ वेरी गुड. दिस फील जस्टिफाई द प्रीमियम टैग. इट इज़ 120 नाउ एंड ना विंड नॉइस है, ना कुछ है, ना इंजन नॉइस है. आई एम ऑन फोर्थ गियर, बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रही है. एंड इट इज़ क्रूजिंग सो कम्फर्टेबली, सो कम्फर्टेबली. 120 डजंट फील लाइक 120 एट ऑल, एट ऑल. कोई आवाज़ भी नहीं है, नो विंड नॉइस, नो इंजन नॉइस. Checking the steering. The steering feel is good. Amazing. और गाड़ी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है स्टेयरिंग को. Wow. The chassis is really responding well. I'm at 130 now. और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं, कुछ नहीं. इतना comfortable यार. Again, the car picks up from 5th gear, 80 तक चला गया था मैं. It is so comfortable. 120 पे थे अभी हम, और है मतलब, और लग ही नहीं रहा है. अभी होंडा सिटी जा रही है डेल्टा वाली. Now I'm giving full throttle. And the car is completely stable. Everything is great. I'm at 160, I'm slowing down. I'm at 150 and I'm changing the lane. 140, slowing down, again changing the lane, and the car is totally in control. It is so comfortable. इतने आप प्रीमियम और इतना कंफर्टेबल एक्सपीरियंस लग रहा है, मतलब कि मैं लॉन्ग डिस्टेंसेस इतने इजीली इस पर कवर कर पाऊंगा यार. सही बात है, द कार इज so pricey only because of the driving dynamics and the comfort that it is providing. अगर 19-20 लाख की कार आपको, कम से कम अगर आप लॉन्ग टूर ज़्यादा मारते हो या इंटर सिटी बहुत ट्रैवल करते हो, विल बी वेरी कम्फर्टेबल. सो ईजी, आई वॉज एट 100. पता ही नहीं लग रहा है कब ज़्यादा पे जा रही है, कब नीचे पे जा रही है. यही फायदा, मतलब यही चीज़ होती है तो महंगी गाड़ियों की होती है. एंड इट रियली इट इज़ शोइंग दैट. मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन यही था यार कि कार ओवर महंगी है. जस्ट शेयरिंग विद हिम कि अभी तक तो गाड़ी में लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि मतलब कि इतना प्राइस होना चाहिए कि बंदा बैठ रहा है इनोवा है वो ले रहे. बट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज सो गुड यार, इट इज़ सो प्रीमियम. द शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्सेलरेशन अमेजिंग. खराब सड़क से निकल रहा हूँ एंड इट फेल्ट लाइक जस्ट ऊपर से ऐसी निकल गई. अगेन सेकंड क्लास. आई एम एट अ हायर स्पीड नाउ. नहीं है ज्यादा है स्पीड, यहाँ से निकल रहा. द कार इज सो प्लांटेड, सो स्टेबल एंड सो इन योर हैंड्स. इतना ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है. नाउ इट फील लाइक आई एम इन 19 लाख और 20 लाख कार. इंजन नॉइज बिल्कुल नहीं है. द कार इज सो कम्फर्टेबल टू ड्राइव. थोड़ी रेस दी एंड इट पिक्स अप पावर. नो डाउट कि यू नीड टू बी इन दैट आरपीएम जोन 1500-2000 के बाद इट टेक्स दैट. बट इवन देन इट इज स्मूथ एंड इट इज टोटली ड्राइवेबल. इट फील सो कम्फर्टेबल. यू कैन रियली क्रूज एट 130-140 kmph. नॉट फीलिंग कि इंजन आपका जोर खा रहा है. अब आराम से 130-140 पर ट्रैवल कर सकते हो. या मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, नॉर्मली क्या होता है कि मैं फास्ट चला लेता हूँ, बट अगर सपोज करो मेरे साथ कोई पैसेंजर बैठा है तो वो इंजन नॉइज से जज कर लेता है, भाई तुम तेज जा रहे हो इतने में ना चलाओ. बट आई कैन ड्राइव दिस कार एट 140 ऑल डे एंड नो वन विल नो अबाउट इट. द पैसेंजर्स वोंट नो अबाउट इट. इट विल भाई किसी को आने मतलब लगेगा कि आप कितनी स्पीड बता रहे हो. एंड 140 एंड 140 और 150 इज रियली इट हाई स्पीड. मैंने 140 पे थ्रॉटल पूरा दिया एंड आई वाज पुश बैक टू माय सीट्स. आई एम 160 नाउ इन फोर्थ गियर.
कार इज सो सो स्मूथ. अब थोड़ी इंजन नॉइज बढ़ी है, अब नाउ इन फिफ्थ गियर इंजन नॉइज और कम हो गई. आई एम एट 170. वाओ मैन, ब्रेकिंग नाउ द स्पीड हैज कम डाउन टू 120, 110, 100, 100. कार ने कोई डाइव नहीं ली. इट इज सो स्मूथ एंड सो लग्जूरियस यार, इतना मजा आ रहा है यार ड्राइव करके. इट इज सो एफर्टलेस एंड सो इजी टू ड्राइव, सो सो इजी टू ड्राइव. आई एम गोइंग टू ब्रेक हार्ड. वी आर एट 130. वाओ, वी वेंट डाउन टू 50 एंड द ब्रेक्स फेल्ट गुड. द बाइट वाज Car is really so good. You need to drive the compass to know it. This is a rough patch of the road. The car just glided over it. The steering is so good. Slow speeds pe bhi. And the car is so compact. इट इज़ सो ईजी टू ड्राइव, सो ईजी टू ड्राइव. हाईवे पर इतनी आराम से चलती है, शहर में इतने मर्जी से चल रही है. इट इज़ सो ईजी टू ड्राइव. द इंजन सपोर्ट्स यू, द चेसिस सपोर्ट्स यू, एवरीथिंग सपोर्ट्स यू. और इतना साइलेंट एक्सपीरियंस लग रहा है, इंजन नॉइस नहीं है, कोई नॉइस नहीं है. एंड यू हैव जस्ट डन स्पीड अप टू 170 kmph. इट रियली इज अमेजिंग. I've been so comfortable, the seating was super comfortable, everything was on my hand, the gear shifting is so easy, so smooth, it shifts just like so effortlessly, so effortlessly. EcoSport ki shifting thodi kharab hai, thodi hard hai, but this is so easy, so damn easy yaar. It felt so good. The seats just are perfectly sized, perfectly sized. Bolstering achhi hai, width bhi achhi hai, they just hug you tight. Matlab it is not a laid back approach, it is a sportier seating. But it is so good yaar, it feels so great, so great. मतलब मजा आ रहा है यार कि ये गाड़ी लेह लद्दाख लेके जाने वाली कार है. लिटरली मतलब जिसको शौक है गाड़ी चलाने का, 19-20 लाख खर्चे का इस कार पे, वो नहीं लगा इनोवा, नहीं लगा एक्सयूवी, प्रैक्टिकलिटी को साइड पर रख देगा. बार बार द एक्सपीरियंस इज सो गुड. ये ऊपर वाला मॉडल है लिमिटेड वाला, द लेदर इज गुड. अंदर सीट्स की लेदर भी बहुत अच्छी है. जो दूसरे इससे नीचे वाला मॉडल है जिसमें प्रेसिव लगे हैं, उसका ये बेज कलर का है और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है. और सीट्स भी उसके लेदर की नहीं है, उसकी फैब्रिक की है. बट द बटन्स, एवरीथिंग इज सो गुड एंड हैंडी. हर एक चीज़ की, मतलब इफ यू टॉक अबाउट एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स मतलब कि कौन सी चीज़ कितनी ईजी है चलाने के लिए. आप ड्राइव कर रहे हो तो आपके बटन आपके हाथ में आ रहे हैं. एर्गोनॉमिक्स मीन्स बेसिकली कि आप सारा ध्यान आपकी ड्राइविंग के ऊपर है, आपको कुछ भी ड्राइविंग से डिस्ट्रैक्ट नहीं करता. और एग्जैक्टली वैसे बना हुआ शीशे फोल्ड करने वाला बटन यहाँ पर बना हुआ है. सेलेक्ट करने वाला कि कौन से शीशे का, हमने शीशा ऊपर नीचे करना है, वो यहाँ पे बना. एवरीथिंग इज सो एट हैंड, सो एट हैंड. फ्रंट दोनों ऑटो अप डाउन है. इट इज सो कंफर्टेबल. अंदर आना बाहर उतरना इज वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल. कोई इसमें वो नहीं है. द सीट्स आर सो गुड. सेफ्टी पता लग जाता है कि ये बनी है आपको पकड़ने के लिए. चाहे पहाड़ों पर जितना मर्जी कॉर्नर करो, कट काटो हाईवे पे, यू विल नॉट फील कि यार मैं अंदर से हिल रहा हूँ. द लेदर रैप ऑफ द स्टीयरिंग इज गुड. Let us see the rear space now. पहले बैठा था अच्छी तो लगी ही थी. एंड द रियर इज गुड. और मुझे सीट की शेप से BMW X1 की सीटें याद आई. उन्होंने उनकी शेप ऐसी, लास्ट टाइम कंपेयर्ड ऑडी A3 में दौड़ना थी कि लोगों ने बात ही नहीं समझी. मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वाई इज इट बेटर टू बाय द प्रीमियम वर्जन ऑफ चीपर ब्रांड रादर देन द चीपर वर्जन ऑफ एक्सपेंसिव ब्रांड. और कितना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डिसीजन है. AC vents हैं यहाँ पे पीछे, नीचे यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट है, USB पोर्ट है. एवरीथिंग इज सो गुड. आई जस्ट होप कि रिक्लाइन एंगल थोड़ा बेटर होता. मतलब स्पेस इज रियली गुड, बहुत कंफर्टेबल फील करते हो आप. रिक्लाइन एंगल अगर थोड़ा बेटर होता तो आई विश कि सीट थोड़ी पीछे अगर रिक्लाइन हो सकती तो, बट आई थिंक दे डोंट ऑफर रिक्लाइन. तो वो रिक्लाइन एंगल थोड़ा आपको ज़्यादा स्ट्रेट लग रहा है. बट अदरवाइज इट इज सो गुड.
स्पेस अच्छी है, थाई स्पोर्ट अच्छी है, ये एक्सटेंड करा हुआ है दोनों जो मेन एरिया में, इनको एक्सटेंड करा हुआ है, तो इसके कारण थाई स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेग रूम इज़ गुड, ओवर ही खुला नहीं है पागलों वाला, बट इट इज़ गुड इनफ। Of the plastics is nice. Raga khulna, band karna, it feels solid. The build quality is great. The boot is so huge, so huge. आप ये seats नीचे करके और boot space कितनी extend कर सकते? Basically it's a lifestyle car यार. जिनको शौक है ना घूमने का, गाड़ी चलाने का, मतलब you want to have a personal car, this is it यार, this is it. I always wish the army, मतलब because जैसे मेरी favourite car evoke है, I love that car. Luxury, premiumness, power, pickup, speed, handling और SUV type ground clearance, but I cannot afford that. This is very good, very good. इंक्लूड करना हो तो आप अगर ड्राइव करते हो तो अचानक ही उसमें कोई उड़ल तो पावर नहीं लगता या वो झटके वाली एक्सेलरेशन नहीं है, बट बहुत ही लीनियर और बड़ी सही एक्सेलरेशन है, मतलब आपको आपका कभी भी कुछ जर्क नहीं लगेगा, आपकी स्मूथनेस नहीं खराब होगी, आप हमेशा अपने स्मूथ वाले लेवल पे ही रहोगे और कार अपने आप उठती रहेगी, पिकअप खाती रहेगी, पिकअप खाती रहेगी। वी हैव बीन इन इनोवा, वी हैव बीन इन फॉर्च्यूनर, वी हैव बीन इन एवरी अदर कार्स, बट एक पॉइंट के बाद यार गाड़ी शोर करने लग जाती है, वो बताने लग जाती है नहीं कि मैं ज़्यादा स्पीड पर चल रही हूँ, ज़्यादा स्पीड पर चल रही हूँ, बट दिस कार डिडंट शो इट एट ऑल, इट वॉज सो कम्फर्टेबल। और कार अगर आप स्लो स्पीड पर चलाओ तो भी बिल्कुल आपके हाथों में, मतलब इट इज़ सो ईजी टू ड्राइव है, मतलब परफेक्ट कार की। अगर आप कहते हो यार कि मेरे पास अपनी एक गाड़ी हो जो एवरीथिंग कार हो, ये ऑलराउंडर हो बिल्कुल, और आप इनोवा या फॉर्च्यूनर रखना चाहते हो बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज कैरी दोज फाइव सीट्स एक्स्ट्रा विद यू, देन दिस इज योर कार, परफेक्ट फॉर ड्राइविंग, परफेक्ट फॉर एवरीथिंग। यू नो द कंपनी क्लेम द माइलेज टू बी 17 km/h, विच इज रियली ग्रेट, तो अगर 13-14 की माइलेज भी आती है 175 bhp में, इट इज़ ऑसम, बहुत सही।